मामले लगातार घट रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 80,834 नए मामले आए सामने, जबकि 3,303 लोगों की हुई मौत। एक दिन में 1,32,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। यूपी रोडवेज के संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी, ड्राइवर कंडक्टर अपने गृह क्षेत्र में करा सकेंगे ट्रांसफर। परिवहन मंत्री ने दिए नीति बदलने के आदेश, 32,000 संविदा कर्मियों का होगा फायदा। सीएम तीरथ सिंह रावत आज फिर पहुंचेंगे दिल्ली, केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। कल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी मिलेंगे सीएम तीरथ। आज से अयोध्या में होगी श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक, निर्माण कार्य और भावी योजना पर होगा मंथन। नृपेन्द्र मिश्रा करेंगे मीटिंग की अध्यक्षता। संजय यादव आज लेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ, राजभवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम। 14 अप्रैल से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर थे संजय यादव। सिगरेट और तंबाकू बेचने के लिए हर दुकानदार को लेना होगा लाइसेंस, लखनऊ की तर्ज पर यूपी के 16 शहरों के लिए शासन आदेश जारी। पहली बार पकड़े जाने पर 2,000, दूसरी बार में 5,000 का जुर्माना। यूपी के धर्मगुरुओं ने समाज से की कोविड से प्रभावित बच्चों की मदद की अपील, कहा सभी लोग निभाएं अपना फर्ज। चमोली में लगातार बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ भूस्खलन, प्राकृतिक आपदा के चलते रास्ता हुआ बाधित। रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर मलबा हटाने में हादसे में जेसीबी चालक की जान बाल बाल बची, मौके पर पहुंची एसटीएफ की टीम ने चालक को बचाया। किर नोएडा में दिखा तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक में जा घुसी, हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की गई जान, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हल्द्वानी में मानसिक रूप से विक्षिप्त एक युवक ने ब्लड बैंक की 5वीं मंजिल पर चढ़कर किया हंगामा, मौके पर पुलिस की मदद से युवक को नीचे उतारा गया। सहारनपुर में कोऑपरेटिव बैंक के रिटायर्ड शख्स ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या, सुसाइड नोट में खुद को मानसिक रूप से बीमार होना बताया। देवरिया के कोतवाली थाना क्षेत्र में बिहार से दिल्ली जा रही बस डिवाइडर से टकराई, हादसे में घायलों को अस्पताल में कराया गया। लखनऊ के मंडियाव में पुलिस ने किसान की हत्या का खुलासा कर दिया, मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, खेतों में जानवर चले जाने के चलते कर दी गई थी किसान की हत्या। लखनऊ में एसटीएफ ने फर्जी अधिकारी बनकर ठगी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, प्रमुख सचिव का ओएसटी बनकर आरोपी करता था ठगी। शाहजहांपुर के जयतीपुर में पुलिस ने एक अवैध हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा कर दिया, मौके पर भारी मात्रा में अधबने तमंचे बरामद, आरोपियों की तलाश जारी। एटा के जैतरा थाना क्षेत्र में बारिश के दौरान एक घर का छत गिरने से मां बेटी की मौत, मौके पर राहत बचाव के लिए पहुंचे ग्रामीण। सहारनपुर के थाना मंडी इलाके में लोगों ने गौ तस्करी करने जा रहे एक गाड़ी को बरामद किया, मौके पर गौ तस्कर को पुलिस को सौंप कर कार्रवाई की मांग। महराजगंज के सोहगी बरवा वन्य जीव प्रभाग के शिव रेंज से पकड़े गए घायल तेंदुए की इलाज के दौरान मौत, तेंदुए की मौत से भाग में हड़कंप मचा। अमेठी में मिला ब्लैक फंगस का संदिग्ध केस, मरीज को लखनऊ मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। मथुरा में पुलिस ने एक चौकीदार की हत्या का खुलासा कर दिया, बेटा ही निकला पिता का हत्यारा, आरोपी गिरफ्तार। फरुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक युवक की हत्या का खुलासा कर दिया, दोस्त की बहन से प्रेम संबंध होने पर दोस्त ने ही युवक को मौत के घाट उतारा। अखिलेश यादव के बाद शिवपाल यादव ने भी बीजेपी पर साधा निशाना, सभी दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। ललितपुर में मंदिर के पास शराब पीने से मना करने पर बदमाशों ने जमकर किया हंगामा, एक शख्स ने की फायरिंग, पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामले में शिकायत की दर्ज। जशपुर में किसान ने जमीन का मुआवजा न मिलने का लगाया आरोप, 5 बीघा जमीन पर किया गया कब्जा, अधिकारियों की मिलीभगत से किसी दूसरे को मुआवजा दिलवाने का आरोप। महराजगंज से मनरेगा घोटाले का बड़ा मामला आया सामने, गुगली विकासखंड में 600 फर्जी जॉब कार्ड बनाकर 93 लाख का गबन करने का आरोप, रिटायर्ड एसटीओ समेत 6 पर केस दर्ज। बाराबंकी में ट्रैवल एजेंसी के नाम पर फर्जीवाड़े का हुआ भंडाफोड़, किराया देने के नाम पर शख्स ने कार मालिकों को अपने झांसे में लिया और फिर फर्जी कागजात बनाकर 32 कार बेची। बहराइच में नाइट कर्फ्यू के बावजूद मंडन कार्यक्रम में बार बालाओं के लगे ठुमके, कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां, आयोजक के खिलाफ महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज। उधम सिंह नगर में पुलिस ने 8 किलो चरस के साथ 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 2 गिरफ्तार आरोपी उत्तराखंड पुलिस में है सिपाही। वाराणसी में पति ने पत्नी को 3 तलाक देकर घर से निकाला, पति और ससुराल पक्ष ने सुलह करने से किया इनकार, महिला ने भेलपुर थाने में दर्ज कराया मुकदमा। लखनऊ में एसटीएफ ने सचिवालय का फर्जी अधिकारी बनकर ठगी करने वाले शख्स को किया गिरफ्तार, विभूतिखंड इलाके से किया गिरफ्तार। इटावा में डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की लोगों ने की पिटाई, इलाज के दौरान व्यक्ति की हुई मौत, तहरीर के आधार पर 7 लोगों पर मुकदमा हुआ दर्ज। फिरोजाबाद में चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ी अवैध अंग्रेजी शराब की खेप, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आगरा में पुलिस और चोरों के बीच हुई मुठभेड़, बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग, 5 बदमाश गिरफ्तार, 2 तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद।
पीलीभीत में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मोबाइल और बाइक लूटने वाले गैंग के 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार, चोरी की 9 बाइक और मोबाइल फोन बरामद। मथुरा में अज्ञात वाहन ने मारी मोर को टक्कर, मौके पर मोर की हुई मौत, वन विभाग की टीम और ग्रामीणों ने मोर को दफनाया। वाराणसी के पियरी शीट में देखी गई टेंटुला समूह की मकड़ियां, बीएचयू के प्राणी वैज्ञानिकों ने इनको विषैली प्रजाति का बताकर लोगों को सचेत रहने को कहा। रामपुर में सड़क हादसे में 2 लोगों की हुई मौत, 2 लोग हुए घायल, तेज रफ्तार वाहन ने सड़क किनारे लोगों को मारी टक्कर। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा होने से टला, माइलस्टोन 117 डिवाइडर से टकराकर पलटी बस, हादसे में एक व्यक्ति हुआ घायल, बिहार से लुधियाना जा रही थी बस। ऋषभ पंत ने इंग्लैंड में दिखाया धमाकेदार फॉर्म, प्रैक्टिस मैच में जमाया शानदार शतक। पूर्व इंग्लिश गेंदबाज मोंटी पनेसा से विराट कोहली को किया सावधान, कहा टीम सऊदी की स्विंग करती गेंद खड़ी कर सकती है मुश्किल। जयशंकर और केन्या के विदेश मंत्री रेशेल ओमामो के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर हुई सार्थक बातचीत। नेपाल में 5 पूर्व प्रधानमंत्रियों ने की ओली के कार्यों की निंदा, कहा सत्ता के लालच में देश को पहुंचा रहे नुकसान। जिनेवा में पुतिन और बाइडेन के बीच होने वाली बैठक की तैयारियां शुरू, स्विम आर्मी की तैनाती के साथ साथ मुलाकात के वेन्यू को चमकाया जा रहा है।